हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमें यहाँ पर साइंस के अंदर स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संपदा। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रस्तावना शुरू करने का मीनिंग यही है कि आपको पूरे चैप्टर का जो मीनिंग है और जो समझ है वो शुरुआत की मालूम पड़ जाती है, इसलिए अपने प्रस्तावना से स्टार्ट कर देते हैं। प्रस्तावना में मैंने लिखा है कि पृथ्वी ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। तो आप ग्रह, उपग्रह, तारे और इन सब के बारे में 10th की क्लास में अच्छी तरह सीखोगे। ब्रह्मांड चैप्टर, ब्रह्मांड के बारे में वगैरह आप सीखोगे। तो उसमें पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड का एक ग्रह है जिसमें अपने लोग निवास करते रहते हैं। तो उसका मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जहाँ पर जीवन विद्यमान है, पृथ्वी ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन उपलब्ध है, यानी विद्यमान है, पाया जाता है जीवन। तो इसमें आप देखोगे कि जीवन के लिए कारक कौन कौन से, मतलब इधर जीवन क्यों पाया जाता है, इधर जीवी यानी सजीव क्यों पाए जाते हैं, उसका एक कुछ कारक है, मतलब कारक यानी जो उस पर असर करते हैं, उसके जीवन पर जो असर करते हैं। तो क्या क्या असर करते हैं, तो सबसे पहले परिवेश ताप। परिवेश ताप का मतलब ये होता है कि जिस वातावरण में मनुष्य अपने जीवन को बनाए रखे, ऐसे ताप को परिवेश ताप कहते हैं। क्योंकि मनुष्य को जीवित रहना है या उसके अंदर वातावरण में एडजस्ट होना है तो फिर उस तरह का वातावरण होना चाहिए, उस तरह का वातावरण होना चाहिए और उस तरह का तापमान भी वातावरण में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको परिवेश ताप पहला कारक कहलाएगा जिसमें मनुष्य जीवित रह सकता है। तो जीवन के कारक में पहला नंबर आएगा परिवेश ताप। उसके बाद आएगा जल। मनुष्य को जीवन जीने के लिए जल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जल ही जीवन है, अपने जानते हैं, जल बिना जीवन संभव नहीं है, ये आप समझेंगे आगे। जल भी एक ऐसा कारक है जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए उपयोगी है, क्योंकि मनुष्य को क्या है, शरीर में जल की आवश्यकता होती है। शरीर में जल की आवश्यकता होने का कारण क्या है कि जो आपका जो रक्त है उसमें आपको किसकी, पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर रक्त में पानी की कमी हो जाएगी तो रक्त आपका गाढ़ा हो जाएगा, यानी गाढ़ा होने से क्या होगा, रक्त आपके शरीर में परिभ्रमण नहीं कर सकेगा। परिभ्रमण नहीं करेगा तो पोषक तत्व तो आपको सभी अंगों को नहीं मिलने वाले, क्योंकि जब तक रक्त सब अंगों तक नहीं पहुँचेगा तो आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और आपको क्या होगा, पोषक घटक भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आपको रक्त को पतला या अपने शरीर में रक्त वाहिनियों में परिभ्रमण कराने के लिए उसको जल होना जरूरी रक्त में। इसलिए जल क्या है, एक जीवन कहलाएगा, यानी जल इसका दूसरा कारक हुआ। तीसरा भोजन। भोजन भी अपने को मनुष्य की आवश्यकता है, मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे सोना है उसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, चलना है उसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ काम करना है वो भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, मस्तिष्क का काम करना उसके लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ आपका, भोजन भी एक कारक होता है। तीन मूल कारक है आपके जीवन के लिए, एक परिवेश ताप, जल और भोजन, तो आप इसे जानते ही हैं। अब देखो इसके बाद अपने कुछ और लिखे हैं कि जीवन कारकों के लिए, यानी जीवित रहने के लिए जो कारक है आपके, जो ये तीन कारक है कौन कौन से, परिवेश ताप, जल और भोजन के लिए जीवों को मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यानी जितनी भी ऊर्जा है सब सूर्य से प्राप्त होती है। जैसे मान लो पौधे हुए, इनको सूर्य की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि पौधों को क्या है, अपने विकास के लिए, अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अगर वो जीवित वो उत्पन्न होंगे तो अपने उनका भोजन के रूप में उपयोग करके अपने भी अपना जीवन चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझोगे कि जीवन कारकों के लिए जीवों को मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा, यानी प्राकृतिक संपदा कहेंगे, चैप्टर का नाम है आपका प्राकृतिक संपदा। तो आपको पृथ्वी पर उपलब्ध, ये पृथ्वी पर सभी उपलब्ध है संपदा, कौन सी संपदा, प्राकृतिक संपदा की आवश्यकता होती है। तो आपको जो जो भी संपदा पाई जाती है पृथ्वी पर उपलब्ध है मनुष्य को जीने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संपदा कहेंगे। तो चलो इसके बाद दूसरा अपने टॉपिक लेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अपने क्वेश्चन वन को पूरा करने के बाद, क्वेश्चन वन में अपने प्राकृतिक संपदा की प्रस्तावना के बारे में सीख चुके थे। उसमें आपको प्रस्तावना में समझाया था कि प्राकृतिक संपदा क्या है। अब प्राकृतिक संपदा के बाद आपको देखना है कि जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका क्या होती है। जलवायु मतलब गर्मी, ठंडी, वर्षा, ये जलवायु है। तो जलवायु में नियंत्रण में वायुमंडल में, जो वायुमंडल जो अपना वातावरण जिसे बोलते हैं, वायुमंडल का दूसरा मतलब होता है वातावरण, एटमोस्फियर,
इंग्लिश में कहा जाता है एटमोस्फियर, इसमें इसकी क्या भूमिका आप जानते हैं? देखो तो पहला उत्तर है वायुमंडल की गैसें। वायुमंडल में जो गैसें होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल बाष्प और बाकी की जितनी वायु है उसमें, वो वायु जो होती है आपकी वायुमंडल की गैसें, ऊष्मा की मंद वाहक होती है, मतलब ऊष्मा को फैलाती नहीं है गैसें। ऊष्मा को क्या करती है? वातावरण में, वातावरण यानी वायुमंडल, वातावरण यानी वायुमंडल में ये गैसें क्या करती है, जो ऊष्मा है उसको फैलाती नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं फैलाती, मंद वाहक होती है। मंद वाहक मतलब उसका भी कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है, जो फैलाती नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान पूरे वर्ष समान रहता है, इससे क्या होता है, पृथ्वी का जो पूरा तापमान है जैसे हमेशा समान रहता है, जैसे ठंडियों में तापमान कम है तो गर्मी में ज़्यादा है, वर्षा में मीडियम है, इस तरह टोटल तापमान मिलाया जाए तो समान रहता है। मतलब औसत तापमान सभी तापमान, सभी जलवायु के तापमान को मिलाया जाए और उसको तीन जलवायु को मिला, जितनी जलवायु उतने को मिला के उतने से भाग दे दिया जाए तो आपको औसत तापमान प्राप्त हो जाता है। तो औसत तापमान क्या होता है? समान रहता पूरे वर्ष। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है, मतलब वायुमंडल का काम क्या है, तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। वायुमंडल में जो गैसें हैं वो क्या करती है, इसको ज़्यादा मतलब ऊष्मा को फैलने नहीं देती वातावरण में, तो उसको रोकता है, ऐसा कहेंगे आप लोग। उसके बाद रात के समय, ये दिन की बात है, अब रात के समय भी आप देख लेंगे, रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर कम करता है। रात के समय क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है उसको ज़्यादा फैलने नहीं देता, इसलिए आप देखो रात के समय क्या होता है, थोड़ा ठंडा वातावरण होता है, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो क्या फैलती नहीं है, जो उसमें वायु होती है वातावरण की, वो ऊष्मा को रात में कम फैलाती है। तो इस तरह से क्या कहेंगे कि रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर कम करता है। ये तो इसके बाद हुई। फिर आप सूर्य से चंद्रमा और पृथ्वी की लगभग दूरी समान है, मतलब सूर्य है जो, उससे पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी समान है, तब भी अपने देखोगे तापमान में बहुत फर्क है। वहाँ के चंद्रमा का तापमान जीवन जीने लायक नहीं है, लेकिन पृथ्वी का तापमान जीवन जीने लायक है। तो देख सकते हो क्या है इसमें कि उसके बावजूद चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है। पहली बात, उसमें वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है जिससे वातावरण में जो तापमान है वो मेंटेन नहीं रहता है, तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इतना ज़्यादा घट जाता है कि जिससे उधर जीवन संभव नहीं है। ऊष्मा वायुमंडल, वायुमंडल होने से ऊष्मा उसमें पाई जाएंगी, ऊष्मा उसमें वायुमंडल में फैलेंगी नहीं, लेकिन वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें आपको गैसें नहीं मिलेगी जो इसको कंट्रोल नहीं करेगी, मतलब नियंत्रण नहीं करेगी। किसका नियंत्रण नहीं करेगी? अपने क्या बोलते, जलवायु का नियंत्रण नहीं करेगी, मतलब जलवायु का नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका रहती है, समझेंगे। तो चंद्रमा पर तापमान कितना है, चंद्रमा पर तापमान कितना है आपका, -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 के मध्य रहता है। मतलब इस तापमान में क्या होता है, इस तापमान में आपको क्या होता है कि चंद्रमा पर इतना ज़्यादा तापमान है कि इधर पे कोई जीवन, कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा तापमान है जहाँ पर मनुष्य और सजीव सब जीवित रह सकते। तो आप लोग को समझ आ गया होगा, मैं आपको आशा करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।